मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी, मैं अयोध्या टहलने गया हुआ था। मेरे भैया जी अयोध्या में रहते थे और अचानक ये परिक्रमा का मेला था, मैं छोटा था, ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे पैर में भी गोली का निशान है। इनके मानक में रोड और बिजली विकास में नहीं आता, स्पेशली इनकी सरकार आ जाए ठीक है, ये गुंडाई करे बदतमीजी करे वो विकास होता है। हमने ये कहा इंसानियत के नाम पे एक बार अभी अखिलेश को भी देखा जाएगा, हाँ अखिलेश जी को भी देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। 5 साल पहले नहीं देखा आपने, पहले 5 साल पहले ये रोड पे है इतना गड्ढा होता था, वही साइकिल पंचर होती थी वही साइकिल। कहीं भी अगर जाते हैं तो नौकरी भी नहीं मिलती है। कितना पढ़ाई किया है आपने? 8 तक बस, 8 तक नौकरी मिलती है। हाँ अरे वैसी कोई बात नहीं। धर्मेंद्र कुमार जी, वोट देने जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, कल सोच के वोट देंगे। बेरोजगारी पे, शिक्षा पे रिपोर्ट दे रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, सपा आ रही है, सपा आ रही, अखिलेश आ रहे हैं। हाँ जी, किन मुद्दों पे आएंगे वो? बस यही बेरोजगारी पे और क्या नाम है जो सांड उंड घूम रहे हैं, इसके वजह से। अच्छा जी, अखिलेश तो जीत जाएंगे? बिल्कुल, हमारे वहाँ जीत रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ से जी, दुर्जनपुर चौराहे पर से, दुर्जनपुर चौराहे पर जीत रहे हैं जी, आ रहे हैं, बोल तो रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, आप बोल रहे योगी आ रहे हैं। अरे तो लाए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, वोट देना आपका व्यक्तिगत अधिकार है, दीजिए। आप बेरोजगारी मुद्दा है, सांड घूम रहा है, बेरोजगार वो घूमेंगे, आजीवन घूमेंगे जी, जो बेरोजगारी ढूंढ रहे हैं भाई, जिसको काम करना है वो समोसा। लड़कों को पढ़ाते क्यों है? इसीलिए शिक्षा नहीं, शिक्षित होना होता कि आदमी शिक्षित हो जाए, ज्ञान हो जाए। बाकी कितने लोग स्कूल जाते हैं, नौकरी के लिए स्कूल जाते हैं, यहाँ जिसको व्यवसाय करना, समोसा बेच के पैसा कमा रहा है। मैं 8-9 लोगों को व्यक्तिगत रूप से नौकरी दे रखा हूँ ठीक है, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, हमें क्यों नहीं मिल रहे? कहाँ मिल रही? हमारे हमारे छोटे छोटे भाई हैं, तैयारी कर रहे हैं सब, ओवर एज। नौकरी कौन देगा? अखिलेश देंगे और क्या, पिछले 5 सालों में कितना दिया था? इनके पास प्रतिभा नहीं है, बेरोजगार है। हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए थे कुछ बच्चे, वो बीटेक करके आए थे, मैंने सिस्टम पे बैठाया, वो सिस्टम ऑन करने के बाद बटन नहीं ढूंढने पा रहे थे और डिग्री इतनी लेकर आए थे, तो ऐसी डिग्री से क्या फायदा? बस केवल एक मुद्दा है, आप कहीं जाएंगे बेरोजगार खड़े हो जाएंगे, अरे करना कुछ नहीं है, यहाँ बैटरी रिक्शा चला के लोग जीवन यापन नहीं कर रहे, जिसको करना है वो कर रहा है, और जो रोने वाले हैं बेरोजगारी। अरे सरकार अगर बेरोजगारी का मतलब, आपके यहाँ भी होंगे, कौन नहीं है बेरोजगार? यहाँ पे काफी लड़के, यहाँ पे देखे सब नवयुवक खड़े हैं, सब बेरोजगार है, रोजगार क्यों नहीं है? सब बेरोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है, कोई नहीं बेरोजगार है। ये बताइए आप, अखिलेश ने कितना कितना रोजगार दिया था? बहुत रोजगार दिया था, कितना? हमारे रिलेशन में कई लोग हुए। कितना पढ़ाई किया? हम तो बीएससी के हैं। बीएससी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? इसमें नहीं कर रहे हैं कुछ, ये बीएससी कर रहे हैं। पढ़ाई करके क्या कब से पास? नौकरी कुछ मिल रहा है नहीं। कब से पास है हम? 2017 से। 17 से पास है जी, कब से कुछ नहीं मिला नौकरी? नहीं नहीं, यूपीपी का पेपर दिए थे एक बार, दिए थे तो क्या हुआ उसमें? पास हुई कि नहीं? पेपर रद्द हो गया था और क्या। पेपर रद्द हुआ? हाँ। अच्छा ये बताइए, कौन बेहतर, अखिलेश यादव आएगी तो नौकरी दिला देंगे सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल दिलाएंगे। बाबा जी बोल रहे हैं कि सबको 4.5-5 लाख नौकरी। हाँ नौकरी हम तो नहीं दिख रहा है हमारे क्षेत्र में कोई नौकरी, यहाँ पे दुर्जनपुर टिकरी यहाँ पे लिधियाना जमुना में कोई नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला। अखिलेश यादव में कितना मिला था नौकरी, आपको याद है? जी मिला है, 4 लोग को मिला है नौकरी। 4 लोग को जी, अखिलेश के राज में जी मिला है, 4 लोग को। 4 लोग को जी, आप तो 4 लाख लोग को मिला है बोल रहे हैं? नहीं 4 लोग हमारे यहाँ, हम अपने हमारे क्षेत्र में मिला है इस समय तो सब। क्या दूसरा क्या मुद्दा? और नौकरी से जो साढ़ घूम रहे हैं इसके सब ज्यादा, साढ़ घूम रहे भैया, साढ़ घूमने से परेशान है ये लोग। अरे साढ़ हमारे यहाँ भाई 44 बीघे मेरे पास खेत है, मैंने गेहूँ बो रखा है, मुझे करना है, मैं रात में रखाता हूँ, बाकी तारों से घिरवा रखा है। छोटा साढ़ हमारे घर के सामने, आपको आइए अभी दिखा देता हूँ, 30-40 बैठे हुए, तो उसका ये मतलब थोड़ी कटवा दिया जाएगा? अच्छा भाई, उसका जो समस्या है उसका समाधान हमें आप निकालेंगे ना? ठीक है, क्या नाम है आपका? देव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए क्या होने वाला है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। हाँ जी, वो नाराज चल रहा है योगी जी से? हो सकता है नाराजगी उनके पास हो, हमारे सीने में जो छल्ला लगा है उन्हीं की देन है, आयुष्मान से 1.5 लाख का छल्ला उन्होंने दिया हमको। अच्छा जी, मतलब कैसा, क्या लगा? स्टैंड लगा, स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा। जी अच्छा, यहाँ पे आइए, कौन सी योजना के तहत मिला है? आयुष्मान योजना के तहत। अच्छा जी, फायदा हुआ आपका? बिल्कुल फायदा हुआ है, अभी भी 2,000 रुपया पर मंथ हमको दवा के लिए मिल रहा है। अच्छा जी, भैया आप इनको तो योजना का लाभ मिल रहा है? कौन सा कौन, हम तो नहीं पा रहे हैं, हमको तो नहीं मिल रहा, क्या हमारे फैमिली में नहीं मिल रहा है, कौन सा योजना मिल रहा है? केवल विरोध के नाम पे बस, की योगी जी का जैसे नाम आया तुरंत आ जाएंगे बेरोजगार खड़े हो जाएंगे, मैं बेरोजगार हूँ बस। अच्छा ये कहीं ऐसा चीज नहीं, ऐसा देखिए हम खेती करते हैं ठीक है, दिन भर मेहनत करते हैं, दिन देखिए दिन भर खेती करते हैं, उसके बाद रात को साढ़ हाँकते हैं, यही सब काम है हम लोग का। और सड़कें हमारे हैं, सड़कें देखिए, चलिए साढ़ से परेशान है भैया, साढ़ से भैया आप खेती करना है तो साढ़ तो रखाना पड़ेगा, बिल्कुल रखाना पड़ेगा। बाबा जी साढ़ छोड़ दिए? बाबा जी ने साढ़ छोड़ा है या
जो सांड छोड़ा है तो उन्होंने कहा है सांड छोड़ा है। अच्छा। उन्होंने भेजा है अपने घर से कहा सांड। हाँ। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं लोग, बाबा लोग परेशान कर दिए किसानों को। बाबा लोग परेशान नहीं कर दिए, बाबा लोग एकदम नया कर दिए, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अच्छा। और क्या नहीं होना चाहिए वो काम हो गया। बताया क्या काम हुआ हमारे, तो सड़कें भी नहीं बने हुए, सड़कें भी नहीं बने वहाँ पे हमारे। हाँ संतोष कुमार पांडे। पांडे जी भैया नाराज चल रहे योगी जी से, क्या बोलेंगे आप? अपना अपना विचार है। आपका विचार बताइए। मेरा विचार बीजेपी है। बीजेपी है, काहे बीजेपी? सब किस क्या दिक्कत क्या है इनको, तो बहुत दिक्कत है भैया। अब उनकी दिक्कत होगी, हर आदमी की अपनी अपनी दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग है क्या, क्या मुद्दे पे वोट दोगे आप? हम सुरक्षा, देश, राष्ट्र, एकता, धर्म सब पर देंगे। अच्छा सुरक्षा का मुद्दा है यहाँ पे? निश्चित तौर पर है अभी आप लोग बिल्कुल 100 पहले के टाइम पे, पहले भी सुरक्षित थे लेकिन उतना सुरक्षित नहीं थे। अच्छा। अगर पहले भी ना होते तो आप होबे ना करते। अच्छा। पहले अच्छा, ये बताइए क्या लगता है 10 मार्च को क्या होने वाला है? बीजेपी वापस आएगी और क्या? साइकिल बीजेपी, बीजेपी साइकिल क्यों नहीं साहब? क्यों नहीं का हम थोड़ा ना बताएंगे, जनता का समर्थन बीजेपी के लिए है तो बीजेपी आएगी। क्यों नहीं का क्या हमसे प्रश्न पूछते हैं आप बताएं साइकिल क्यों आएगी? आप बताएं, आपसे पूछ रहा हूं तो आप बताएं क्यों नहीं आएगी? नहीं क्यों आएगी, क्यों नहीं आएगी? विचार है आएगी, मेरा विचार बीजेपी आएगी। झगड़ा क्यों कराएंगे आप? झगड़ा कराएंगे तब मेरा विचार साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य बना रहेगा हमेशा के लिए। स्वास्थ्य की जरूरत क्या है अगर आप पूजा पाठ करिए, भक्त बने रहिए भगवान के। हाँ खाली बस पूजा पाठ करोगे स्वस्थ रहोगे, साइकिल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? पूजा पाठ करेंगे तो उससे जीविका चल। अखिलेश यादव साइकिल का प्रचार कर रहे हैं, आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं और खुद बता रहे हैं यार साइकिल चलाओ। नाम है आपका? शुभम सिंह। जय समाजवाद। जय श्री राम की जगह जय समाजवाद। जय श्री राम नहीं, श्री राम क्यों नहीं? जैसे वो तो धार्मिक है, जय श्री राम बोल रहे हैं आप, बोले जय समाजवाद नहीं, जैसे वो तो मतलब धार्मिक है तो भाई हम उससे जय समाजवाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, यही योगी जी की सरकार है अभी। ये बहुसंख्यक लोग बोल रहे सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं? हम तो नहीं सुरक्षित, हमारे तीन तीन चार क्या कर रहे हैं? पहले कितना दंगा होता था यही नवाबगंज में, यही नवाबगंज में कितना दंगा होता था। निवासी हम भी आते जाते रहते बराबर कंटिन्यू, पूरा दंगा होता था, कहीं नहीं सुरक्षित है। अब किसी का मजा अलग कर ले दंगा, तो बोले सुरक्षित नहीं है। अरे ये नहीं सुरक्षित, हम तो सुरक्षित है, पूरी जनता सुरक्षित है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इनको सुरक्षा देने की, हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आपने, जब मंत्री जी हमारे नहीं ले पाए तो आप क्या दिला पाएंगे? कौन सा विशेष हमला आपके ऊपर हो रहा है भाई? क्यों बोल, कितनी बार हमला? तीन चार बार हो गया। किस तरीके का हमला? जान से मारने का नहीं, जैसे कोई भी काम बिल्कुल कानून कुछ नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई मेरी। क्या नाम बताया आपने? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी जी। अच्छा ये बताइए अखिलेश यादव लाना चाह रहे हैं आप? जी ला रहे हैं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए विकास वगैरह नहीं दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? बस वही बहुत विकास हुआ आप बोले नहीं। क्या ये रोड बन रहा है जो भी अखिलेश ने लोकार्पण किया था? इनके मानक में रोड और बिजली विकास में नहीं आता है, स्पेशली इनकी सरकार आ जाए ठीक है, ये गुंडई करे बदतमीजी करे वो विकास होता है इनके, इनके विकास गुंडई विकास नहीं। पंडित सिंह जी बताया था कि लड़का किसी और को खिलाए कोई और, वही वाली कहानी यहाँ पे। रोड रोड विकास क्या गुंडई कहाँ पे, हम तो नहीं देख रहे गुंडई। विकास इतना हुआ, पहले इन्वर्टर चार्ज नहीं होता था, पहले इन्वर्टर चार्ज नहीं होता था, अब डिस्चार्ज नहीं होता है। अच्छा हाँ भैया, पहले इन्वर्टर चार्ज नहीं होता, कितने घंटे लाइट आ रही है? अरे भैया 20 घंटे 24 घंटे, पहले 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा लाइट तो आ रही है, हम तो नहीं बोल रहे, लाइट तो आ रही है। और पहले पहले भी आती थी ऐसी नहीं, 8 घंटे जैसे यही है कि मतलब जो स्पेशली लाइट आती थी इनका साइफाई से स्पेशल लाइट आती थी। बस भी चल रहे हैं उसका क्यों? अयोध्या के बगल में है हम लोग ठीक है, इन लोगों का आरोप है कि जो राम भक्तों पर योगी मतलब कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव उन्होंने बात कर रहे, अरे आरोप है कि जग जाहिर है, आरोप क्या चीज है? आरोप चलवाई थी मुलायम सिंह यादव, गोली चलवाई थी, कौन नहीं चलवाया? इसमें दंगा नहीं हो रखा, पैर में गोली का निशान है अभी। जी मेरी उम्र उस वक्त 5 साल थी, मैं अयोध्या टहलने गया हुआ था, मेरे भैया जी अयोध्या में रहते थे और अचानक ये परिक्रमा का मेला था, मैं छोटा था ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे पैर में भी गोली का निशान है जी, मुलायम सिंह यादव का चलवाए थे गोली जी जी, हमारे ऊपर नहीं चलवाए थे, मेरा बचपना था, गोली चली तो हमको लगी थी, हमारे पैर में निशान अभी भी है, मैं दिखा सकता हूँ जी, ये मुलायम सिंह की गोली। अरे खरोच आ जाते हैं, पता नहीं क्या लोग गोली लगी, गोली कैसे, हम भी भाई टोटल हुए, देखिए हर किया गया, सामूहिक नरसंहार किया गया, पूरी अयोध्या रक्त रंजित की गई, इनको बता रहे खरोच आ गई। जैसे योगी जी कि राम मुद्दा पे मतलब कि जो वोट मांग रहे हैं, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राम के नाम पे, तो और क्या हिंदू मुसलमान पे लड़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम, कौन यहाँ पे योगी और
योगी लड़ा रहे हिंदू मुसलमान के, अभी तक मंदिर मुद्दा था मंदिर बन गई है। नाम है भैया आपका? रिजवान। रिजवान जी ये बताइए कल वोट देने जाएंगे आप लोग? हाँ जी जाएंगे। क्या सोच के देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम तो इस मुद्दे पे देंगे विकास और इंसानियत के नाते, कि जैसे लोग सबको एक लेके चलते हैं साथ में, उनको ही वोट लेके चलेगा सबको एक। अखिलेश भाई, अखिलेश भाई योगी तो बोल रहे सबका साथ सबका विकास, हम ही कर रहे हैं। वो तो खाली बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब परेशान है। अच्छा। हाँ जो बोलने का क्लियर कर दिया आप लोग के साथ। बहुत कुछ हो रहा है भाई, गलत हो रहा है। क्या करते बता दीजिए। अभी देखिए मोदी जी क्या से क्या बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ किसी की नौकरी भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और जो अखिलेश भाई बोलते हैं कि ये जाएगा एक सबके अकाउंट में, ये माफ हो जाएगा, सब कुछ सही बात है। हाँ विकास भी नौकरी का वादा किया था लेकिन नौकरी नहीं। हम लोग ने तो हर बार बीजेपी को दिया, दो बार तीन बार बीजेपी को ही दिया, लेकिन अब सबको मालूम पड़ गया अब अखिलेश भाई को एक बार देना है। उन्हीं को अखिलेश भाई को जिताएंगे लगता है। जी साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे और साइकिल दौड़ेगी भी। हाँ और बाबा जी का बुलडोजर? वो तो बुलडोजर बंद हो जाएगा। हाँ बाबा जी बोल रहे सर्विसिंग के लिए गया, चलाएंगे बुलडोजर, वो सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। मैं आपका अजमत खान। अजमत खान जी ये बताइए वोट देने जाएंगे कल आप? हाँ वो जाएंगे। किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम तो अखिलेश जी को देंगे। अखिलेश जी को देंगे? क्यों देंगे अखिलेश जी को? उनके राज में कोई दंगा होते ही नहीं है। और दंगा तो अगर मान लो नहीं होता है कि दंगा होता था? नहीं बीजेपी वाले बोले दंगा होता था। मान लो दंगा सबके राज में होता। हाँ। लेकिन इतना साल में हमने तो कभी सुना ही नहीं कि दंगा हुआ है। लेकिन जितना इनके राज में मैंने सुना है उतना कभी राज में नहीं सुना। कभी हुआ कहाँ दंगा को बताइए हमें? हाँ, पाँच साल में कितना? अरे कितना दंगा हुआ अभी मोबाइल पे सर्च करो, अभी इतना हो गया। कितना दंगा हुआ बता दीजिए हमें। अब तो हाँ सपा वाले क्या हैं? तो गिनाते हैं, 2013 में दंगा हो गया था मुजफ्फरनगर में। हाँ सब जगह हुआ है, सपा वाले में हुआ ही नहीं। सपा वाले में हुआ बता रहे हैं? कौन? नहीं वो तो भाई बोल रहे हैं तो उनको पता है क्योंकि मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं कि 2013 में हुआ था दंगा मुजफ्फरनगर में। आप बता दीजिए कहाँ पे? मुझे आपको मालूम है कहाँ दंगा हुआ है? अब ये खाली सुनते हैं कि ये एरिया में हुआ, ये एरिया में हुआ, इतना नाम नहीं नॉलेज, इतना पढ़ा लिखते हैं आप लेकिन महसूस नहीं किया दंगा कभी? दंगा तो बहुत सुना है भाई। कहाँ हुआ बता दीजिए? मारा मारी हिंदू मुस्लिम बढ़ गया। बता दो कहाँ दंगा हुआ? अब कौन सी जगह बता दें कहाँ हुआ मालूम? खाली सुनने में आता है। अखिलेश कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में हुआ था, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कहाँ हुआ दंगा। अब यहाँ पे तो आपने यूपी में तो नहीं सुनाई दे रहा है कि यूपी में किधर? यूपी में योगी यूपी में चुनाव हो रहा है लेकिन, और तो यूपी में हो रहा है ना चुनाव, तो यूपी में हो रहा है लेकिन विकास नहीं दिख रहा है। दंगा की बात करो, दंगा हो रहा है? दंगा कोई बात छोड़ दो, हम विकास बोले दंगा बोल कि सबको विकास हो, रोजगार खड़े हो, रोजगार मिले। जिस सड़क पर सड़क ये बना हुआ है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली तो आ ही रही है, तब सड़क बना है और विकास है। नौकरी भी नहीं मिलती है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, कहीं भी अगर जाते हैं तो नौकरी भी नहीं मिलती है। कितना पढ़ाई किया है आपने? आठ तक बस। आठ तक नौकरी मिलती है? अरे वैसी कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे ये जो पढ़ा भी नहीं है वो भी नौकरी पे रहता है कि 5,000-8,000 मिलता है उसको। कौन सा आदमी बेरोजगार है? बेरोजगार बताइए कौन सा आदमी है? 300 रुपया का हीरो कोई मजदूर नहीं मिल रहा है इस समय? कोई मजदूर मिलेगा 300 रुपये में? तो सबका महंगाई हो गया है, 700-800 मांगते हैं जो। दंगा बढ़ गया 5 सालों में, कोई चांस नहीं, दंगा एक भी नहीं हुआ। नहीं दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं, दंगा बढ़ गया 5 साल में, एक दंगा नहीं हुआ है कहीं, नहीं हुआ क्या भाई साहब? मैं तो दंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक बार रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रही है, विकास हो रहा है। आज के 5 साल पहले 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो भी पूरी रात लाइन लगाए रहो। अच्छा, लाइन लगती है। आज डंडा खाओ, सुबह बहुत लोगों का सिलेंडर गायब हो जाता था। आज फोन करो, सिलेंडर चाहिए। वाले के साथ पुस्से सुला जाए, दंगा करने वाले के साथ पुस्से सुला जाए, जितना दंगा करे वाले हैं सबसे सुला जाए साथ पुस्से। बोले दंगा बढ़ गया है, ये तो बोले दंगा हो रहा है। नहीं दंगा नहीं, सात पुस्से सुला जाए उनके। कहा है कि दंगा हो रहा है, हम सुरक्षित आप लोग है कि नहीं है? हमने ये कहा इंसानियत के नाम पे एक बार अभी अखिलेश को भी देखा जाएगा। हाँ अखिलेश जी को भी देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। 5 साल पहले नहीं देखा आपने? पहले 5 साल पहले ये रोड पे इतना गड्ढा होता था, वही साइकिल पंचर होती थी, वही साइकिल, टायर की दुकान नहीं थी एक भी। अब बोल रहे हो, अब देखो, अब चैंपियन कहीं पर ब्रेक नहीं लगना है,
सीधा एक्सप्रेस हाईवे की तरह उड़ रहे हो। अब बोल रहे विकास नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव काम कराए थे, अखिलेश यादव क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे अखिलेश। अब राशन मिल रहा है हर 15 दिन फ्री में ला ला के खा रहे हैं, उन्हीं का गुनगा रहे हैं। और उसके बाद थाली में छेद करने वाला काम कर रहे हैं लोग। पूछे सात पतों वाला दंगा घर पे होता होगा इनके? हमें तो नहीं लग रहा कहीं दंगा होता है। दिखाई दे रहा है कि गुंडई सपा वाले ही शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। जब उन्हीं के गुंडी के दोनों गुट में लड़ाई करेंगे तो दंगा होगा ही। अच्छा, अब कोई बता दे कि 5 सालों में कई हिंदू मुसलमान से लड़ाई हुआ वो? नहीं हुआ कुछ भी, कहीं नहीं हुआ। पहले होता था क्या? और क्या, यही नवाबीगंज में क्या पता नहीं कितने बार झिलिया पे हुआ है, पथराव हुआ पता नहीं कितनी बार हिंदू मुसलमान के बीच। आज 5 साल के बीच में दिखा दीजिए कहीं पे लड़ाई हुआ, एक भी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं भी नहीं हो रहा। अखिलेश यादव को बोलने दीजिए, उनका काम बोलना है केवल, आदमी को भड़काना है उनका काम। उनका काम केवल आदमी को एक मिल की उत्साह बढ़ाना है कि हमारे कैंडिडेट उत्साह बढ़े, और उत्साह बढ़ेंगे तभी तो इधर जाएंगे लड़ाई करेंगे, उधर उनका दंगा करेंगे, इधर वो करेंगे, तभी तो जनता जागरूक होगी।